बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं बेस बनाने लगी हूँ और आप देख रहे हो स्किन कैसी है, डबल टोन स्किन हुई हुई है। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मून टच का बेस, मैंने यूज़ किया है डार्क शेड, इनका डार्क शेड और 38 को दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप स्किन देख सकते हो डबल टोन स्किन हुई हुई है, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जितने भी तिल वगैरह हैं इन सबको कवर अप करता है। अगर आप मुझे पूछो कि ये फाउंडेशन कैसा है तो मैं आपको कहूँगी वेल एंड गुड है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसकी कवरेज की बात करो तो बहुत ही हायर क्लास इसकी कवरेज है, बहुत हाई कवरेज देता है और फ़ौरन से जो है वो ब्लेंड आउट हो जाता है। वाटर प्रूफ है और स्मच प्रूफ है। आपकी जो है वो ऑयली स्किन हो, ऑल टाइप स्किन के लिए जो है मैं आपको प्रिफर करूँगी। आप अगर मेरी रिकमेंडेशन पर जाना चाहो और इसको बाय करना चाहो तो आप कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस भी। और एक तो आपको ML बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है इनके जो है। मैंने आपको, अगर आपको मेरे मून टच के और बेसिस के रिव्यू भी देखने हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर आप विजिट करें और आप वहाँ पर मून टच की बेस की ट्यूटोरियल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, मून टच के फेशियल के भी रिव्यू शेयर करे हैं। अच्छा, ये मेरे पास कोई PR में नहीं आया था, ये मैंने खुद अपने परचेज़ किया है और आप लोगों के भले के लिए ही मैं आपको हर चीज़ जो है वो पहले यूज़ करती हूँ, फिर मुझे कुछ अच्छी चीज़ लगती है तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि ये मैंने मून टच के जो है ये वाले फाउंडेशन मंगवाए थे और मैंने यूज़ किए तो मुझे ही बहुत ज़बरदस्त लगे और बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है। अगर कंपेयर करें तो काशीज़ के कम फाउंडेशन के साथ अगर प्राइस एज अ प्राइस कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस है और उसी की तरह ही जो है हाई कवरेज है, ठीक है। आप चेक करें, आपके सामने मैं लाइव बना रही हूँ और कितने ही पिगमेंटेड है और मतलब हर चीज़ जो है वो अच्छे से उसने हाइड कर दिया है, पिगमेंटेशन और यहाँ के जो तिल होते हैं वो हाइड नहीं होते, वो भी इसने अच्छे से हाइड कर दिए थे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो जल्दी से जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कॉमेंट कर लें, ठीक है। इसी तरह के ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलते रहेंगे। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा बाद जो है वो बहुत टाइम बाद जो है वो एक जो है वो ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ बिजी थी तो भाई मेरा एक और चैनल है, व्लॉगिंग चैनल, जिसका नाम है पॉलर वाली व्लॉगर अलमोल अशरफ। तो आप उस चैनल को भी जाएँ और विजिट करें और उसको भी सब्सक्राइब करें। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को जो है ना आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे डेली व्लॉग लाती हूँ, तो आप जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और अगर आपको मुझसे मेकअप करवाना है, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी ब्राइड तैयार करवानी हो, तो आप जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा और हर चीज़ जो है वो फिनिशिंग के साथ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनकी जो है वो एयर और नैक ये सब जो है वो कवर अप कर रही हूँ। आप चेक करें कितनी ही प्यारी कोई बेस जो है ना वो ग्लो कर रही है। अच्छा, आपको ब्लेज फाउंडेशन कैसे अप्लाई करनी होती है आप देख सकते हैं कि मैं कैसे डैप डैप करके लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने उसको कोई रगड़ा नहीं है और मेरा स्पंज जो है ना वो बस डैम डैम जो है ना वो वेट है, ठीक है। एकदम से तर भी नहीं कहेंगे और एकदम से सूखा भी नहीं कहेंगे, डैम ब्यूटी ब्लेंडर है और उसको मैं जो है डैप डैप करते करते जा रही हूँ और उसको जो है वो फिक्स आउट करते जा रही हूँ। कभी भी आपने फाउंडेशन को रगड़ना नहीं है। शुरू शुरू में तो आपका बेस सही लगेगा लेकिन उसके वक्त के साथ साथ आपका बेस जो है वो ड्राई होता जाएगा और ग्रे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो आपने वो मेक श्योर करना है कि आईज़ के नीचे आपने आईज़ खुलवाकर उसको भी आपने अच्छे से लगाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है बेस लगाते लगाते आईज़ के नीचे जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा झुरियाँ पड़ी हुई हैं आईज़ के नीचे। तो आपने जो है वो मेक श्योर करना है कि आपकी आईज़ के नीचे अच्छे से बेस लगे, ठीक है। तो यही बेस मैंने थोड़ा सा और निकाला है और निकाल कर जो है वो मैं नेक पे और कवर अप कर रही हूँ, ठीक है। एक पम्प मैंने 38 का लिया था और दो पम्प मैंने डार्क लिए थे। अच्छा, इनका जो डार्क वाला कलर है वो 38 से कंपेयर करता है और जो 38 वाला जो इनका कलर है वो मैं एज एट आप कंपेयर कर सकते हो 45 से, क्योंकि जो शेड इनका दिखाते हैं वो एग्जिट नहीं है। बस मुझे इससे थोड़ी सी शिकायत है कि शेड के नंबर चेंज कर दीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो है डार्क वाला शेड जो है वो ऐसा लग रहा है कि 38 से भी फेयर लग रहा है, ठीक है। और बेस ऑक्सीडाइज इनका नहीं होता है, बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज होती है। पर्सनली मैंने अपने फेस पर ख़ुद जो है वो लगा के चेक करा था और स्टे करके भी देखा था कि कितने घंटे तक स्टे रहता है और इसका मैंने वाटर टेस्ट भी करा था तो वो बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ था। अगर मैं मुझे मौका मिला तो मैं किसी और ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ इसका वाटर टेस्टिंग भी करूँगी तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। वैसे मैं आपको बता भी रही हूँ कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये 100% जो है वो वाटरप्रूफ होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से जो है ना वो अच्छे से अपने फाउंडेशन लगाने के बाद आपने उसको थोड़ी देर स्टे रखना है, यानी कि 30 सेकेंड तक, जब तक आप जो है वो अपना लूज़ पाउडर जो भी आपने लगाना हो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनका लूज़ पाउडर, मैंने यूज़ किया था क्रेलॉन का TL11, ठीक है। अगर आप अकॉर्डिंग टू शेड आपको पिंक पे जाना हो तो आप 4W भी यूज़ कर सकते हो, 2W
20 भी यूज़ कर सकते हो, अगर नेचुरल पे जाना चाहो तो TL9 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इनका जो है वो लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी TL11 यूज़ करूँगी, क्योंकि लास्ट है और इस पर आप कॉम्पैक्ट कर रहे हो तो आपने जो है वो अच्छे इसे कॉम्पैक्ट करना है। और आपको पता है कि ये सीज़न जो है वो ऐसा है, अभी भी गर्मियां है ना जो जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आपने लूज़ पाउडर को अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देना है। लूज़ पाउडर का काम होता है कि अच्छे से आपके स्किन में जाए और उसको लॉक कर दे, आपका बेस जो है वो वाटरप्रूफ हो जाता है, अच्छे से लॉक हो जाता है। तो आपने अच्छे से जो है वो डैब डैब करते हुए आपने लूज़ पाउडर लगाना है, और सबसे पहले आपने आईज़ को खुलवा के ऊपर आईज़ के नीचे लगवाना होता है ताकि क्रीज ना पड़े और लाइंस ना बने। जैसे ही आपके बेस में लाइंस पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, वैसे ही आपका लगेगा कि बहुत ज़्यादा एजिड है और बहुत ज़्यादा लाइंस पड़ जाती हैं, तो वो बेस जो है वो वाटरप्रूफ नहीं कहलाता। तो सबसे पहले आप मेक श्योर क्या करें, बेस लगाते हुए सबसे पहले आपने आईज़ के नीचे लगाना है लूज़ पाउडर। आपने नेक को भी नहीं भूलना है, एयर को भी नहीं भूलना है, और नेक की बैक साइड को भी नहीं भूलना है। ठीक है, ये हो गया है हमारा बेस, और आप चेक करें कितना ही कोई ग्लो कर रहा है, इतना कोई शाइन कर रहा है। हमारा बेस रेडी है, अगर आप चाहो तो आप अपना आईज़ मेकअप भी कर सकते हो, वरना तो आप जो है वो ये वाला बेस कर सकते हैं। ठीक है, बेस बना के आईज़ मेकअप बना सकते हैं। कलर इंस्टीट्यूट का मैं यहाँ पे अंडर फेयरनेस यूज़ कर रही हूँ सिल्वर, और यहाँ पर मेरे कैमरे की जो है ना वो स्टोरेज फुल हो गई थी, तो जो है वो वीडियो क्लिप जो है वो थोड़ी सी मिस आउट हो गई है। तो इसके बाद जो है वो मैंने ये किया था कि सिल्वर का इंटर फेयर कलर इंस्टीट्यूट का जो है मैंने ब्रोबोन पे और टेयरडक पे हाईलाइट कर लिया था। उसके बाद मैंने क्रीज एरिया जो है वो लाइट बिल्कुल मैट शेड से जो है वो मैंने इसको क्रीज को डिफाइन किया था। देन उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर का मेटालिक शेड, मैंने लिड पे यूज़ करा था और कॉर्नर पे यूज़ कर रही हूँ मैं डार्क पर्पल शेड। ये पैलेट मैंने जो भी यूज़ करी है, ये सारी पैलेट मैंने यूज़ करी है काशीज़ की पैलेट यूज़ करी है। आप जो है वो ग्लैमरस फेस की पैलेट भी यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको सारे शेड मिल जाएंगे। काशीज़ की पैलेट उठा के देख लो या ग्लैमरस फेस की पैलेट उठा के देख लो, आपको एक ही जैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजनेबल पर जाओ तो ग्लैमरस फेस की जो किट है वो बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में है, तो आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चॉइस। ठीक है, डार्क पर्पल मैंने यूज़ किया है, आपकी जो पावर होती है ना ब्लेंडिंग की पावर होनी चाहिए। आईज़ मेकअप में सिर्फ कमाल जो होता है ना वो सिर्फ ब्लेंडिंग का होता है, ये नहीं है कि आप भर भर कर गोला गंडा बना लो या फिर कोई भी दुनिया जहाँ के कलर लगा लो, जब तक आपकी आईज़ मेकअप पे ब्लेंडिंग नहीं होगी ना। अभी आप देखें ऐसा लग रहा है थोपा हुआ मेकअप। ठीक है, अभी मैं इस मेकअप को इतना कोई टाइम दूंगी ना, इतना टाइम दूंगी कि आपको खुद नज़र आएगा कि मैं कितनी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने एक क्रिस्टीन का मैं ब्रश ले रही हूँ, और ये मेरा एम्प्टी ब्रश था, मैंने कोई भी इसमें कलर यूज़ नहीं किया हुआ, कोई भी प्रोडक्ट इस ब्रश में नहीं है। ठीक है, और उसकी मैं जो है वो ब्लेंडिंग करते जा रही हूँ। मैंने आप चेक करें एक आईज़ में मैंने कितने कलर लगाए हैं, यानी कि सिल्वर, लाइट पिंक और शॉकिंग पिंक, पर्पल, ब्लैक, ये 5 कलर जो है वो मैंने यूज़ करे हैं, और इसको मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और आप चेक करिएगा, अच्छा लिड पर जो है वो मैंने पिंक कलर जो लगाया था टी पिंक जो लगाया था वो जो है वो लाइट हो गया था। फिर उसके बाद आप मेटेलिक शेड दोबारा से इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ई ब्यूटी का मैंने जो है वो जेल वो सीलर यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, रिजनेबल प्राइस है, अच्छे से होल्ड कर लेता है। अच्छा, बाज़ पॉलर वाली है, यहाँ तक कि रबी पॉलर वाली भी, मेरी एक क्लाइंट जो है वो रबी पॉलर गई थी, उन्होंने जो है ना वो आईज़ के लिड पर जो है ना वो आईलैश गम लगा दी थी। तो प्लीज़ ऐसे पॉलर्स में थोड़ा सा गुरेज करें, कोई अगर आपको लगा भी रही हो ना, एक्सपर्ट लगा रही हो या फिर कोई भी पॉलर वाली आपकी आईज़ पर शिमर लगाने के लिए अगर आपकी आई लैशेज गम लगा रही हो, तो प्लीज़ खुदारा उनको मना करें, और ऐसी जगहों से जो है ना वो मेकअप जो है ना वो आप इग्नोर ही करें। क्योंकि देखो ये हमारी आईज़ का मतलब होता है, इतनी सेंसिटिव आईज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो है ना, जब तक हमारी आईज़ ही नहीं होंगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ इससे जो है वो ग्रेस क्या करें। आप जो है वो अगर आपकी मेकअप आर्टिस्ट अगर लगा भी रही है तो आप उसको सख्ती से मना कर दें कि आप लैशेस गम हमारी आईज़ के लिड पर ना लगाएं। उसके बाद हम यहाँ पर चंकी ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको चंकी ग्लिटर नहीं पसंद तो आप जो है वो कोई से भी शिवर यूज़ कर सकते हो, बारीक वाली डस्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चॉइस इनकी क्लाइंट के ऊपर मैंने जो है वो ये वाला ग्लिटर यूज़ किया था, चंकी ग्लिटर। ये आपको जो है वो ई ब्यूटी में भी मिल जाएंगे और दूसरे ब्रांड भी मिल जाएंगे, और आजकल जो है वो चंकी ग्लिटर आप लोगों को पता है कि कितने जो है वो ज़्यादा इन है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है आईज़ बंद करके रखवाई थी, क्योंकि अगर आप उसको खोल दोगे तो वो क्रीज पड़ जाएगी और आपके ग्लिटर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। ब्रोबोन के लिए मैंने ये एक एंगल ब्रश लिया है, ये कोई मैंने हायर ब्रांड का नहीं है, कोई लोकल मार्केट से मैंने लिया था, काशीज़ का ब्रोबोन मेकर यूज़ करूँगी।
ब्रश को हल्का सा वेट करके प्रोडक्ट अपने ब्रश में लूँगी और इनकी आईब्रो को डिफाइन करूँगी। आपकी इनकी आईब्रो देख सकते हो कितनी पतली आईब्रो है और उसको मैं डिफाइन करूँगी। और आईब्रो डिफाइन करने के बहुत से सारे ट्यूटोरियल आपको मेरी वीडियो में और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप विजिट करके देख सकते हो। बस आपने एक लाइन सीधी जो है वो नीचे से ड्रॉ करनी है, फिर ऊपर से आधा इंच छोड़ के ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने ब्रश को एम्प्टी करके उसको साफ़ करके उसको फिलअप करना है। बहुत ज़्यादा ईजी मैथड मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मेरे मैथड से बताए हुए मैथड से आप आईब्रो डिफाइन करोगे, आप लोगों को बहुत आसानी की आसान तरीके से जो है वो आईब्रो शेप देना आ जाएगी। आप मेरे चैनल पे विजिट करके बहुत सारी ट्यूटोरियल देख सकते हो, आई होप सो। और मैं आपको अब कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक के बाद एक जो है ना ट्यूटोरियल शेयर करूँ, ठीक है, और ज़्यादा टाइम ना दूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया था इनका वाटर बेस मैंने यूज़ किया था क्रेलॉन का 45, ठीक है। और फाउंडेशन पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप फाउंडेशन पे लगाएं और आप जो है वो वाटर बेस नहीं लगा सकते, नहीं, आप वाटर बेस लगा सकते हो। क्रेलॉन का मैंने 45 यूज़ किया था, देन उसके बाद मैंने दोबारा बेस को लॉक करा था TL11 से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ और मैंने इनकी लैशेस यूज़ करी थी, मैंने मिस उसकी लैशेस यूज़ करी थी, इतनी कोई बेहतरीन लैशेस थी और इतनी कोई बड़ी बड़ी इनकी आईज़ नज़र आ रही थी। अब आप देख सकते हैं कितनी छोटी आईज़ हैं और इन छोटी आईज़ पर मेकअप करना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। और आप देख सकते हैं मेकअप बिफोर आफ्टर में क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, और मेकअप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो क्वालिटी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ डे बाई डे इम्प्रूव करने की। और यहाँ पर आप चेक करें, मैंने जो है वो लैशेस लगा दी थी, लैशेस मैंने यूज़ करी थी ST London की। और लैशेस लगाने का तरीका यही है कि आप लैशेस को गम लगा के तकरीबन एटलीस्ट एक मिनट रख दो, एक मिनट के बाद आप जब लैशेस अप्लाई करोगे तो वो अच्छे से स्ट्रक हो जाएंगी और कहीं से भी नहीं हिलेंगी, ठीक है। लैशेस को आप जो है वो आप मेजरमेंट करके अपनी आईज़ का साइज़ ले लो, उसके अकॉर्डिंग आपने लैशेज को जो है वो अप्लाई करना है। इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर मेक श्योर कर लें कि आपकी लैशेज अच्छे से चिपकी है या नहीं, अच्छे से आपकी लैशेज जो है वो चिपकनी चाहिए। देन उसके बाद आपने लाइनर लगाना है। देन उसके बाद मेरी आईज़ को मैंने थोड़ी देर जो है वो गैप दे दिया था, उसके बाद मैंने कंटूरिंग की थी, ब्लशर लगाया था, मिस रोज़ का जो है वो मैंने काशीज का मैंने हाइलाइटर यूज़ किया था, पिंक मैंने जो है ग्लॉस यूज़ किया था एमली का। आई होप सो कि आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ये कंटूरिंग और हाइलाइटर की क्लिप जो है वो मेरे से डिलीट हो गई थी, सो आई होप सो। और इनका हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा, अगर आपको इसका भी जो है ट्यूटोरियल चाहिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपको अनदर व्लॉग में, जब तक अनमोल खदीजा अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। और आपने मेरे पॉलर आपने मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। अल्लाह हाफिज़।